अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाकिर शेरा, बताइए ना शाकरे की न्यूज़। तो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा दूसरे सेमीफाइनल मैच का रिज़ल्ट। बहुत ही सैड मोमेंट था साउथ अफ्रीका का हारना, तो बहुत ही दुख था। तो चलो चलते हैं, थोड़ी सी हाइलाइट्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दूसरे सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर 2-3 बॉल बाकी रहते थे ओवर पूरे होने में, तो 212 रन पर ऑल आउट हुए। उनकी जानिब से डेविड मिलर ने 101 रन बनाए, जबकि हेनरी क्लासन 47 रन बनाकर नुमाया रहे। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया, और हेजलवुड और ट्रेविस हेड ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताकम में ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकर्रर टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हुई, लेकिन बड़ी मुश्किल से कामयाब हुई। अगर 20-25 रन पर उसके 8 आउट होते तो मुश्किल था, कि 8वीं विकेट गिर जाती तो मुश्किल हो जाता था, लेकिन नहीं हुआ। बस नसीब में मर्द जो होता है वही आगे भी होता है। तो फिर उन्होंने 47.2 बॉल, मतलब यानी कि 48 ओवर शुरू था, मैं 2-7 विकेटों के नुकसान पर टारगेट पूरा कर लिया। उनकी जानिब से ट्रेविस हेड 62, स्टीवन स्मिथ 30, डेविड वार्नर 29 रन बनाकर नुमाया रहे। बॉलिंग में तब्रेज शमसी और कोटजाई ने 2-2 खिलाड़ी का आउट किया, जबकि मार्करम महाराज और रबाडा ने 1-1 खिलाड़ी का आउट किया। तो ये थी मैच की हाईलाइट्स। अब तक के लिए मज़ीद देखते रहिए शाकरे की न्यूज़।